नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में शरद पवार ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। जी हाँ, ये खुलासा हुआ है कि बहुत पहले हिंट दे दी गई थी उद्धव ठाकरे को, एकनाथ शिंदे बगावत कर सकते हैं, पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की बात नहीं मानी। दरअसल खबर सामने आई है कि शरद पवार बहुत पहले से चेता रहे थे उद्धव ठाकरे को कि एकनाथ शिंदे का ध्यान रखा जाए, एकनाथ शिंदे की नाराजगी को दूर किया जाए, क्योंकि शिंदे शिवसेना से अलग हो सकते हैं, शिवसेना का साथ छोड़ सकते हैं। और बहुत बड़े हद तक देखा जाए कि अचानक आनन फानन में जिस तरह से शिंदे ने अपने विधायकों के साथ शिवसेना छोड़ दिया और सीधा बीजेपी के साथ आते नजर आए, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि बहुत पहले भविष्यवाणी शरद पवार ने कर दी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ध्यान नहीं दिया। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सत्ता के लालच में इतने चूर थे कि उन्हें अपने अलावा और आदित्य के अलावा कुछ और देखकर नजर नहीं आ रहा था। पार्टी में जिस तरह से लगातार स्थितियां खराब चल रही थी, विधायक नाराज चल रहे थे, इस बात को उद्धव ठाकरे ने नजरअंदाज किया और उद्धव ठाकरे को नजरअंदाज करना ये भारी पड़ गया। शरद पवार ने कहा कि अगर उनकी बात बहुत पहले उद्धव ठाकरे समझ गए होते तो शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होते। दरअसल देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को राजनीति की उतनी समझ नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि कैसे मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काम करना है, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जिसे बीएमसी में नहीं चुना गया वो क्या मुख्यमंत्री पद संभालेगा। तो सीधे सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि फिलहाल शरद पवार ने जो बयान दिया या शरद पवार ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बहुत बड़े हद तक जो नुकसान है वो आज उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ा है। यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी उद्धव ठाकरे ने मार दिया। अगर शरद पवार की बातें मान लेते तो शायद महाराष्ट्र में इतना सियासी बवाल नहीं होता और एकनाथ शिंदे की नाराजगी बहुत पहले ही खत्म कर दी गई होती। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए। नमस्कार।